शनिवार की सुबह रिंग बांध में पानी की बढ़ोतरी लगातार होने लगी थी, लेकिन रात रामपुरा के इतिहास में काला दिवस के रूप में दर्ज होगा। लगभग 60 वर्ष पूर्व रामपुरा की छाती पर बनी रिंग बांध ने अपनी सीमा रात को लांग कर रामपुरा के घरों को निशाना बनाया। गांधी सागर बांध के लबालब भरने के बाद रिंग बांध में पानी जो छलका वह शहर की रौनक को लील गया। शहर के मध्य लालबाग में लगभग 4 से 5 फीट पानी भर गया। निचली बस्ती की मंजिलें डूब गई। नए बस स्टैंड से लेकर लालबाग तक पानी का कोहराम लगभग 400 दुकानों को नुकसान पहुंचा गया। निचली बस्तियों के लोगों को शहर के ऊंचाई वाले इलाकों में शरण ली, रात भर एक दूसरे की मदद करके गुजारी। आपके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई? मैं देखिए जितने निचली बस्तियों में पानी बढ़ने की संभावना थी वहाँ से करीब लगभग 200 लोगों को हटा दिया गया है। बाकी लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि इसमें जो डैम है, अर्दन डैम है, उसमें केवल 6 इंच नीचे पानी रह गया है। अगर ये टॉप फ्लो करता है तो बस्ती में बाकी लोगों को भी हम हटाने का करेंगे। इसके लिए हमने CRPF और SRDF की फोर्सेज को बुलाया है। वार्ड्स का फोर्स हमारे पास है, सभी ऑफिसर्स यहाँ पे हैं और हम लोग पूरा वॉच कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे लोकेशन लगातार वॉच में है। जैसे ही कोई होता है हम बस्ती खत्म करें। सर, ले जाने के लिए कोई व्यवस्था करिए, गाड़ी वगैरह की इनके? हाँ, गाड़ियों की व्यवस्था है। ठीक है, रात भर कैसा रहा आपका, क्या रहा नजारा? बहुत ये रही हमारी रात भर, 1:30 बजे से जो हमारी ये हुई हम जान गए, हमारी 2 मंजिल तक पानी भरा हुआ। आप लोगों का ही तो आएगा और किसका आएगा? अरे आप लोगों का ही तो आएगा। तार देख, तार देख, तो
रामपुरा में रात को 10 बजे बाद एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई और रिंगवाल के ऊपर से पानी अंदर आने लगा। उसके बाद देखते देखते 2 या 3 घंटे में पूरे रामपुरा के अंदर पानी फैल गया। अभी लालबाग वर्तमान में आप देख रहे हैं 3 फीट पानी है, 3 फीट से करीबन ज़्यादा पानी, और भोरा की जो गलियाँ हैं उनमें 1.5 मंजिल डूबी हुई है। 1 मंजिल डूबने के बाद 0.5 मंजिल और अधिक डूब गई है। उनमें से जो लोग फंसे हुए हैं 15 मकान गिर चुके हैं। हाँ, और 10-12 मकान भी उसके अंदर गिर चुके गलियों में, जहाँ हमें नावें चलाने में भी दिक्कत आ रही है। हमारे सारे मछुआरों की रेस्क्यू टीम भी आ गई, देखो जैसे आप देख रहे हो, ये सारी नावें 40 से 50 नावें हैं सहयोग कर रही है। 40-50 नावें हमारी तो बोले नहीं, अभी बोले तो उनके हमने आवाज़ भी लगी, लेकिन अभी निकल के आए बोले यार मैंने हम तुम्हें रात से आवाज़ लगा रहे हैं, तो डर के मारे बोल नहीं रहते कि हम रात में नहीं आएंगे। कौन बचाओ, मतलब 2-3 बोरे समाज के हैं, 4-5 बोरे समाज के हैं, 4-5 मुस्लिम समाज के हैं, और 5 से 6 मतलब ये है हिंदू समाज के, हिंदू समाज के लिए रात से कर रहा है।